केंद्रीय पंचायती राज व्यवस्था लागू होने के पश्चात सभी पंचायतों का यह दायित्व था कि वह अपने गांव का सर्वांगीण विकास करें। परंतु बहुत ही अफसोस की बात है कि वाराणसी जनपद के चोलापुर ब्लॉक के चोलापुर गांव में गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था न होने के कारण सुनीता सहित कुल 150 लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। समस्या यह है कि मतलब दुआरे पर गड्ढा खोद करके बर्तन माज रही है। जगह हम लोग के नहीं है कहीं पर बर्तन माजने के, और अथवा पानी सानी निकास मतलब बहाने वहाने के कुछ भी जगह नहीं हम लोग के है। और सरकार बहन तो हम लोग के प्रधान बहन तो हम लोग का नाला साला बनवाता नहीं बहन। दरवाजे पे गंदा पानी इकट्ठा है, उसे कोनो बीमारी वगैरह? हाँ काहे ना बीमारी हुई, मतलब गंदा पानी है, बच्चा है, नुकसान ना पहुँचाई। हम लोग यह चाहते हैं कि हम लोग का नाला बन जाए, पानी का निकास बन जाए। बर्तन माजने के लिए कहेंगे गिराइए पानी तो झूठे आके जिसका खेत है तो कहाँ पर पानी गिराएंगे। बस ये समस्या बा कि यहाँ के पानी की स्थिति खराब ज्यादा बा, हमको कहीं ना साधन बा, ना पानी गिरावे की जगह बा, ना एक घर में पानी चप जाले, बरसात होले तो पानी में से आवल जल जाला, कहीं को पानी निस्का नहीं कि चल जाए, तो बताइए कि कैसे लेके बच्चन के रहेंगे। तो प्रधान चाहे तो करे अपना नाला लगा के एक से एक रुपया पैसा सरकारी आवत बा, चाहे तो प्रधान नहीं बना सकते हैं, गरीब का हेल्प नहीं कर सकते हैं। कभी जब झूरा आते तो झूर रहते हैं, बरसात आते तो ये 10 दिन के बाद बरसात आएगा ना, तो आप आके देखिए कि कितना कचरा रहता है। यही ठे नठर दिना ये पानी ये धरती पर रहता है, यही में से आई या जाए, सब पानी निकाल जगह न कहाँ जाए बाकी। मैं वीडियो देखने वाले आप सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूं कि आप लोग चोलापुर के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4175-79 पे कॉल करके दबाव बनाएं ताकि लोगों की परेशानियां दूर हो सके। मैं शबनम वाराणसी जिले के उत्तर प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।